बात शेयर करने वाली थी, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरी कुक के रिलेशन में कि क्या हुआ है। तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि घर में चोरी हुई है या कोई सामान ले गए हैं और कुछ ऐसा हुआ है। तो वो सब चीजें ऐसी रहती है, अगर होता भी तो आपका मेंटल पीस या देखिए जाता, पर इतना नहीं जाता जितना इस टाइम पे हम लोगों का गया। तो मैं आपको ना बाय सीक्वेंस टू सीक्वेंस चीजें बताऊंगी। तो क्या हुआ था, ये जो है ये ऐसा है कि अगर आप यकीन करो तो बहुत कुछ है, नहीं है तो बहुत कुछ है। हम लोग इतना भी यकीन नहीं करते, बट क्योंकि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, बच्चा है घर में, तो बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली घूमती रहती है। और कुछ ऐसी चीजें थी जो आपस में मैच ही नहीं हो रही थी। तो क्या है, आप लोग को जैसे कि याद है नवंबर में मैं एक कुक ढूंढ रही थी और राजा हेल्प कर रहे थे ऑब्वियसली, और मेरी बात नहीं हो रही थी मेरे इन लॉज से उस टाइम पे, और हम लोग की बात हुए हुए बहुत टाइम हो गया था। आई थिंक 8-9 मार्च से बंद थी हम लोग की बातें, तो वो एक अलग मैटर है जो कि मैंने डिस्कस नहीं किया, और अभी सब कुछ सही है और अच्छा, मैंने डिस्कस नहीं किया उसे क्योंकि फैमिलीज में होती रहती हैं बातें। तो राजा ढूंढ रहे थे, तो राजा ने बहुत सारे लोगों से बात करी थी, जैसे उनके फ्रेंड्स हो गए, कुछ कहीं जाते हैं, जैसे कहीं समोसा खाने जाते हैं या कहीं जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने बात करी थी कि अगर आपकी नजर में कोई कुक है या कोई कैटरिंग वाला हो गया या कोई टिफिन वाला हो गया तो उसके रेफरेंस से चीजें जो है आपको कुक मिल जाएगी। तो दिसंबर की स्टार्टिंग में वो आ गई थी ना, हाँ, तो नवंबर की एंडिंग में हमारे पास एक इंसान आए थे जिनको मैं एकदम एड्रेस नहीं करूंगी। तो क्या है, जैसे सपोज करिए दुगु मेरा बेटा है और मैंने एक अपने जेठ के बेटे को भी गोद लेके रखा हुआ है और मैंने उसे बचपन से पाला है, तो वो उस तरह के रेफरेंस में जो हमारे घर आए थे, तो आप मान के चलिए वो जेठ के बेटे हैं उनके, जिन्होंने बचपन से पाला था। उनका खुद का भी एक बच्चा था जो कि शादी के बहुत साल बाद हुआ था, पर पाल वो उनको रही थी बचपन से, तो वो एक घर में रहते हैं। तो वो आए हैं और वो ऐसे राजा के दोस्त नहीं है, हाँ थोड़े बहुत काम जो रहते हैं उसके रिगार्डिंग वो काम करते हैं। तो राजा ने बोला है कि ऐसा ऐसा है, हमें कुक चाहिए कि कोई मिल जाए। और जस्ट नेक्स्ट डे हमारे पास एक कॉल आता है, जब हमने उनसे बोला तो कॉल पे नंबर फ्लैश होता है, वो नंबर पता नहीं कैसे हमारे फोन पे सेव था। जब उनसे बात करते हैं ना तो वो कहते हैं कि हमें काम आपका पता चला और ऐसे ऐसे हमने और उन्हीं से बात करी थी इस उसमें। तो जस्ट जिस दिन बोला है उसके अगले दिन सुबह ही फोन आ गया, तो उसके बाद ठीक है आई वो और हमने उन्हें फाइनल कर दिया और वो लग गई। राजा ने अगले ही दिन जैसे वो लगी है, क्योंकि थोड़ा सा रहता है ना कंफर्मेशन अगर ऐसे करने के लिए कि आपने मतलब कि आपकी वहां से आपने भेजा है किसी को और नाम बताया राजा ने कि इस नाम से आई है ना, तो वो बंदा जो था वो मुकर गया उसके बाद, नहीं हमने तो नहीं बोला, जबकि वो सेम घर में रहते हैं और वो है, तो मुकर गया और नंबर ऑब्वियसली दिया ही होगा, तभी तो अगले दिन फोन आ गया था। तो हम लोग को लगा ठीक है चलो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमने बात जाने दी। और कहीं ना कहीं वो इतनी अच्छी थी, जो सालों से मुझे प्यार नहीं मिला था, सालों से लिटरली सालों से, इवन मैंने मम्मी को भी इतने प्यार से अपने लिए नहीं देखा होगा, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ पर इतने प्यार से नहीं देखा होगा कि उनपे कितनी से बड़ी मुसीबतें आ जाए बट वो मेरा खाना नहीं भूलेंगी और डुगू का खाना नहीं भूलेंगी, बेशक वो घर से लेके आए पर वो लेके जरूर आएंगी, है ना। तो इतना प्यार जो कि मैंने अपनी मम्मी के बाद, लाइक मेरे को जब फेशियल पालसी हुआ था, लाइक एक साइड मेरा जो फेस था वो शिफ्ट हो गया था, एक स्टोरी है, उस टाइम मेरी माँ का जो प्यार था मेरे लिए, बहुत वियर्ड साउंड हो रहा है, माँ तो प्यार करती है ना, इतना शो नहीं कर पाते है ना माँ बाप, तो वैसा वाला उससे भी बहुत ज्यादा प्यार वो करने में, मतलब इतना प्यार। तो अब क्या हुआ, ठीक है हम लोगों ने किया, राजा ने मुझसे बोला था कि इनका ना एक काम करना, इनसे एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ मांग लेना, और मेरे साथ थोड़ी सी झिझक रहती है, मैं लोगों से ना डायरेक्ट चीजें बोलती नहीं हूँ ना, मैं को अगर अपनी हाउस हेल्प को भी कुछ बोलना होता है ना तो बहुत प्यार से बोलूंगी, मतलब जैसे बहुत वैसे, मतलब ये बात कनेक्ट नहीं हो रही है, बट फिर मैंने उनसे बोला कि मैंने राजा से बोला कि यार अच्छी तो है और कोई ना क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें रख लेते हैं, रखी हुई है, मेरे को बड़ा इंटरेस्ट है उन पे। तो जैसे कि वो आई थी
तो 50-60 बच्चे को पढ़ाते थे, जैसे आप लोगों को पता है, बताया था मैंने आप लोगों को कि वो ट्यूशन लेते हैं, वो बहुत सारी चीजें करते हैं अपना। तो ठीक है, इतना सब कुछ हुआ और बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन ना बातों बातों में मैं राजा को लगा कि थोड़े दिन से बात करते हैं। राजा ने ऐसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, ये रहते हो। फिर राजा को एकदम से पता चल गया कि यार ये इनसे रिलेशन में है। फिर उन्होंने बोला कि आप इस बंदे को जानते हो, तो एकदम से तो वो कर नहीं सकती थी, है ना, इस बंदे को, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा डाउट था। राजा ज्यादा रहते हैं, मैं नहीं इतना हो रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ इन्हें तो मैंने पाला है, तो सेम घर में रहते हैं। फिर राजा को फिर क्लिक हुआ कि यार ये क्या। फिर उन्होंने उनसे पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्लीज पता है अब बताना मत, क्योंकि मैंने नहीं बताया कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। फिर मैंने राजा से बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इनको आपसी में ना पता हो, क्योंकि हमने जिस दिन बोला उसके अगले दिन ही आ गई थी। फिर राजा ने बोला कि पता नहीं है, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है रहने दो, अलग करो। खाना बहुत अच्छा बनाई थी, प्यार बहुत अच्छे से हम लोग को बहुत प्यार दिखा रही थी। अब चीजें शुरू कैसे हुई थी, दिसंबर चल रहा था और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कि बहुत वियर्ड थे। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे वो सब चीजें बहुत वियर्ड लगी, और हमने उन्हें कुछ नहीं कहा है, वो गए हैं, बहुत अच्छे से गए हैं, बहुत प्यार से हमने उनसे बोला कि हम मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो केस है मैंने बोल दिया था मैं मायके जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो मैं काम नहीं करा पाऊंगी। और उनकी जो भी पेमेंट थी, वो पेमेंट तक पता आपको ऐसा था कि वो पेमेंट तक लेने को तैयार नहीं थी अपनी। बोली अरे पैसा है, इंसान काम करता है ना तो पैसा लेता है, तो अरे नहीं जब आप आओगे हम 2-3 महीने बाद आ जाएंगे, और ये सब चीजें चल रही थी। अब बताती हूँ हुआ कि एग्जैक्टली, तो आप लोग वही सोच रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा ये जो था ये आपसी में वो हो रहा था कि वो लोग डिनायल मोड में थे कि हम नहीं जानते हैं, जबकि वो आई उन्हीं के रेफरेंस से, और नाम से भी वो नहीं पहचानने को तैयार, ठीक है। और उनको फिर वही हम लोग को लग रहा था थोड़ा गड़बड़ है, फिर भी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की बात है, आई थिंक पोहा बन रहा था, और पोहा नहीं पाव भाजी बन रही थी, ठीक है। ठंड में हम लोग ना नींबू से खरीदते नहीं है, और मैं सब्जी खरीदती नहीं हूँ, हमारे घर में सब्जी राजा खरीद के लाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग साथ में जाएंगे तो भी राजा लेके आएंगे। तो नींबू बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ी तबियत भी खराब थी और ठंड में जरूरत भी नहीं थी। मैं नींबू ऐसे कभी गर्म पानी में लेती थी, जो कि मैं प्रेगनेंसी के कारण नहीं ले रही थी, तो नींबू का कोई यूज नहीं था घर में, एक नींबू नहीं। और आई थिंक रात में उन्होंने शाम में बनाई पाव भाजी, मैं दिन में बोल दिया था उनसे, शाम में बनाई मैं पाव भाजी, एकदम ताजा ताजा नींबू घर के अंदर मेरी स्लैब पे मेरे को मिला। मैंने उनसे बोला तो बोला कि यार ये जो नींबू है ये हम डाल देते पाव भाजी, मेरे को नहीं नहीं काटना नहीं इसे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगा यार। होता है कई बार सब्जी में, अगर सब्जी मैं खुद जमाती हूँ, मैं आप देखते पूरा काम खुद करती हूँ, तो नींबू वाला मेरे को थोड़ा सा सीक्वेंस समझ में नहीं आया। उसके बाद क्योंकि हम नींबू पाव भाजी डालते भी नहीं है, तो वो मेरे को थोड़ा सा ना उस टाइम पे लगा कि नींबू कहाँ से आया। तो नींबू वाली बात, फिर राजा ने मुझसे बोला कि काम करना तुम उनसे पूछ लो कि आप नींबू लेके आए थे क्या, एक नींबू आया था घर में। तो फिर मैं अगले दिन पूछती और मेरे दिमाग से बात निकल गई, उनने वो नींबू पोहे में डाल दिया और वो नींबू हम लोगों ने खा लिया, और नींबू गायब भी हो गया एक तरह से, पोहे में डाल के हम लोगों ने खा ही लिया, उन्हें मतलब बना दिया था वो नींबू, और मैं पूछना भूल गई। फिर मैं बोला रहने दो, हो सकता है बाय मिस्टेक हम लोग अपने पे ले जाते, हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है तुम सब्जी लेने गए होगे तो आ गया होगा। अब उसके बाद ऐसे छोटे छोटे सीक्वेंसेस थे, जैसे कि वो मुझे बोलती थी कि कुछ गरम मत खाना। मेरे घर में कभी भी आपको काली लौंग ऐसे नहीं मिलेगी, मैं गरम मसाला कभी लाई हूं तो उसमें मिल जाएगी, पर बहुत सारी काली लौंग नहीं मिलेगी। तो काली लौंग एक साइड में मुझे बहुत कंसर्न दिखाती थी कि ये मत खाना, गरम मत खाना, ये मत खाना, और दूसरी साइड मेरे मैक्सिमम सब्जियों में खाने में मुझे लौंग मिल रही थी, मेरी बाइट्स में ना लौंग आने लगी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बोलते हैं लौंग जो है ना, ये लौंग कहाँ से आ रही है, आप लौंग लेके आए? तो उन्होंने बोला कि हाँ हम ये जो लौंग है ये घर से लेके आए थे। वो लौंग लेके आ रही थी मैं, लौंग आपको पता है खड़ा मसाला बहुत कम, कभी पुलाव में डाल लिया उसमें डाल, खड़ा मसाला खाती नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप घर से कुछ भी मत लाया करो, हम ना ये सब नहीं खाते, मतलब ये खड़े मसाले, तो लौंग लेके मेरे खाने में वो डालने में लगी थी, और 2-3 बार मैंने खाया है तो मेरे को वही थोड़ा लगता था वो गर्म चीज मना करती है और वहीं पे लौंग वो डाल रही थी। फिर मेरे को लगा रहने दो, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने उन्हें वो अरे देखिए यार ये लो, उसने वो मूवी कर दिया।
हाँ, तो वो लौंग जो है ना वो बार 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 मतलब हमने 3-4 बार मेरे खाने में डाली है लौंग। और फिर जब मैंने उन्हें एड्रेस किया उस चीज के लिए, उन्हें लगा कि मेरे को लगाओ, क्योंकि सब घर में लौंग वगैरह रहती है, पर मेरे को पता है कि मेरे घर में क्या नहीं लाती मैं, तो मेरे पास लौंग ऐसे थी नहीं, तो मैंने उनसे कभी बोला, तो वो मुकर नहीं पाई। मैंने बोला मेरे पास लौंग नहीं, मैंने सालों से लौंग नहीं खरीदी है। वो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सुबह का टाइम था, सुबह का, और उनका कॉल आता है, उनके बेटे की तो बहुत तबीयत खराब थी, बहुत तबीयत खराब, मतलब बेटा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब उनको लेट हुआ था, जो लॉन्ग वाला इंसिडेंस हो गया, एक नींबू वाला हो गया, तो थोड़ा बहुत मन अशांत था मेरा, क्योंकि शायद वो सब चीजें होती भी, और अगर घर में कुछ नहीं हो रहा होता तो मैं उन सब चीजों को इग्नोर कर देती, और साथ साथ में घर में बहुत सी चीजें चल रही थी। आप जाके मेरे दिसंबर के ब्लॉग देख लीजिए, इतना सब कुछ चल रहा था, इतना सब कुछ चल रहा था कि मेरा थोड़ा थोड़ा डाउट था। देखिए, एक दिन तबीयत खराब हुई, अगर जैसे मैं कहीं काम करती हूँ या मैं कहीं कुछ भी कर रही हूँ, ठीक है, जैसे वीडियो बनाती हूँ मैं, डुगू की तबीयत खराब होगी तो मैं वो वीडियो छोड़ दूंगी, है ना, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं, उन्हें पता मैं काम करती रहती थी, कभी खाना बनाना है तो रात का मैं खुद भी बनाती थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो उनके बेटे की तबीयत खराब थी और उनका कॉल आया सुबह कि ना मेरे ना बच्चे की ना तबीयत खराब है काफी, और उसके टेस्ट वगैरह कराने हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है। फिर मैंने बोला ठीक है, कोई ना, कोई वो नहीं है, दोपहर का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, अगर पूरा दिन मिल लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार बच्चा हम लोग समझते हैं ना, दिक्कत है। बोली नहीं नहीं नहीं, मैं टिफिन लेके आ रही हूँ। तो फिर मैं बोला जरूरत नहीं, उन्होंने मना किया था उस टाइम पे, याद है आपको एक दिन टिफिन आया था सुबह के टाइम पे, तो फिर मेरे को वही थोड़ा सा ना, तो ना मुझे वही थोड़ा सा ना अजीब लगा कि, तो उस टाइम मुझे वो थोड़ा सा ना अजीब लगा, और खाना भी ऐसा नहीं कि वो सिंपल रोटी सब्जी ले आती, पूड़ी आई थी, आलू और गोभी और पूरा मिक्स वेज आया था, उपमा आया था और मीठा आया था, और हम लोगों ने इतने अच्छे से खाया, इतना टेस्टी खाना वो घर पे भी नहीं बनाती, मैंने बोला इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी खाना कि वो आई हाय कि वो घर में भी नहीं बनाती। फिर चलो हमको लगा रहने दो, क्या बोलते हैं, ले आई, और उस टाइम को इतना प्यार आया उन पे कि यार इतनी अच्छी, मैं फालतू में पे शक कर रही हूँ, चलो कुछ नहीं होता। राउंड 23 तारीख या 24 तारीख की बात है, दिसंबर में, पूरा दिसंबर वो 1 तारीख से लगी हुई थी घर पे। हाँ, फिर खाना खाया, फिर वही मेरे को लगा उस टाइम, फिर शाम में वो नहीं आई, अगले दिन वो फिर आई, फिर मैंने उससे कहा कि कभी ऐसा कुछ होता है, डुबो इधर आना बेटा, ये कभी कुछ ऐसा होता है तो आपको ना आने की क्या बोलते हैं, या कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एडजस्ट कर लेते, इतना भी नहीं था, बच्चा बीमार था, वो टेस्ट कराने जाना था, ऊपर से आप इतना सारा खाना बनाएगा, या वो सिंपल दाल चावल भेज देते, पर वो बहुत सारा खाना बना के लाई थी उसने, वो थोड़ा सा अजीब लगा था, बट उसी टाइम पे वो थोड़ा अजीब से ज्यादा प्यारा लग रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, चलो ठीक है, एक दो दिन निकल गए, मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश, मैंने उनसे बोला कि मेरे को ना नैनी रखनी है, इसके लिए एक मिनट, ये बहुत शैतान हो गया, एक नैनी रखनी है, अदो तुम गिर ना जाना बेटा, तो ना आप एक नैनी का वो कर दो, मतलब क्या बोलते हैं, आपके जान पहचान में होगी, तो वो क्योंकि मेरे को पता है उनका बच्चा है, घर भी उनकी प्रायोरिटी है, एंड प्लस वो शाम से 6 बजे से कहते थे कि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा अजीब लगा मुझे, तो मैंने उसे जब जैसे ही बोला तो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है आपको, मैं ना क्या बोलते हैं, अब मैं आ जाऊंगी, आप किसको लगाओगे, मेरे पास है तो, पर मैं सुबह से ना रात तक रुक जाऊंगी, मैं संभाल लूंगी इसको। फिर मैंने बोला आपका बच्चा भी तो है, आपको बच्चा भी देखना, बच्चे से बहुत प्यार होता है, वो करती भी थी अपने बच्चे से प्यार, तो फिर मेरे को वो थोड़ा सा ना अजीब लगा, उन्होंने मुझे किसी नैनी को लगाने नहीं दिया उस टाइम पे, जबकि उनकी जान पहचान में काफी सारी नैनी थी, उन्होंने बोला जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसा रहता है कि जो बच्चे होते हैं पैदा हुए उनके बालों की सेफ्टी और ये, तो मेरे को बहुत ज्यादा उस टाइम पे ना क्लिक हुई ये बात, बट फिर मेरे को वहीं के वहीं ये लगा कि क्या बोलते हैं यार, बहुत ध्यान दे रही है, देखो कितना बद, मैंने राजू को बोला यार ऐसा हो गया कि ना, मान के चलो मेरे बच्चे को एक उम्र उनकी वो थी कि एक अच्छी कहते ना किस्मत, मेरे को लगा कि किस्मत भगवान ने भेजा, मैंने उस टाइम भी राजू से यही बोला, भगवान जी ने भेजा हमारे लिए,
तो यही कर देंगी। उन्होंने बोला मैं सबको संभालूंगी, सबको संभालूंगी, जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, मेरे को एक रूम में दे देना, मैं वहीं पे रह लूंगी। तो फिर मैंने उनसे बोला था आप कैसे रहोगे बच्चे बच्चे, तो बोले हम कर लेंगे सब कर लेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, चलो ठीक है, मेरे को लगा चलो मेरा तो मैटर, हम तो यही सोचते ना कि हमें जरूरत थी तो ये संभाल लेंगे। और डुगू से ऐसा प्यार, और ये इतना ज्यादा पूरे टाइम जब वो खाना बना रही है तो ठीक है, पूरे टाइम गोदी में उनकी, मैं आज टाइम सो रही हूँ तो डुगू उनकी गोदी में, मेरे को समझ में नहीं आता था कहीं मुझे उनकी गोदी में मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग से वो बना रही है, कभी कुछ अलग से लेके आ रही है, ये कभी ऐसे ध्यान नहीं गया उन सब चीजों पे। चलो ठीक है, अब जो लास्ट इंसिडेंस हुआ था, ये लास्ट है, ये हजम नहीं हुआ और इस टाइम पे मेरे साथ इतना कुछ हो गया। तो जिससे मैंने खाना खाया था, सॉरी 26 तारीख की बात है, सुबह हमने खाया है, 26 तारीख को मेरी रिपोर्ट्स वाला हुआ था। एंड मेरा जो आप लोग सोच रहे हो ना कितनी बेवकूफी वाली बात कर रही हूँ, बट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो सर्विक्स जो भी था वो हुआ, हम लोग बहुत डिप्रेशन में, मतलब एक तरह से बहुत स्ट्रेस में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, रात सुबह अगले दिन वो आए तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा है और ये हुआ, तो बोलती कि मैंने आपसे बोला था ना गर्म मत खाना, फिर मेरे को वही लगाया यार, मैं जो खुद ही गर्म खिलाने में लगी थी, मैं बोला रहने दो टॉप। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके अगले दिन उनकी सिस्टर, सगी सिस्टर एक्सपायर हो गई, उनको अटैक आया था, एक्सपायर हो गई। वो बोली थी मेरे को ना हो सकता है कि क्या बोलते हैं, वो उस टाइम आईसीयू में एडमिट थी, हुई थी, हो सकता है वो नहीं बचेंगी, उन्होंने बोल दिया था क्योंकि उनका इससे पहले एक एंजियोग्राफी कुछ कुछ हुआ था, बाईपास होना था पर उसके डॉक्टर ने मना कर दिया, तो एक उसमें 99% चांसेस थे कि वो नहीं बचती। तो रात में वो एक्सपायर हुई है, अराउंड 28 को या 29 को एक्सपायर होगी। तो ये सुबह चली गई भोपाल, फोन आया कि हम भोपाल जा रहे हैं, मैं जस्ट एक्सपायर हो गई है। तो फिर उसके बाद मेरे को वही लगा कि चलो ठीक है, वो तो जाना ही है उन्हें, और मैंने फिर वही था, फिर उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। उस टाइम पे भी वो मतलब ऐसा नहीं कि इंसान ऐसे टाइम पे शायद ही किसी थर्ड पर्सन में, एकदम थर्ड पर्सन पर आई यार, कितने दिन, 20-25 दिन हुए थे, फोन वो कह रही कि आप टेंशन मत लेना, मैं एक दो दिन में आ जाऊंगी। मेरे को वही लगा कि कभी भी कुछ ऐसा आपका सगे इंसान का कुछ होता है तो इंसान 13-14 दिन वहाँ पे रुकता है, 13 डेज तक तो रुकता है, और उसके बाद पर वो एकदम नॉर्मल बोल रही थी कि हम एक दो दिन में आ जाएंगे और हम काम संभाल लेंगे, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, कोई काम मत करना, ये मत करना। तो मेरे को थोड़ा उस टाइम पे अजीब लगा कि यार आपकी सगी बहन, जैसे आप अपने आप को ही रख के देखो, जो जो मुझे देख रहे हैं अभी, अपने आप को ही रख के देखो तो वो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा किसी को ऐसा बोल रहा, ठीक है, या तो बहुत अच्छी है या कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। और दिसंबर तो ऐसा था, मेरे को ऐसा लग रहा था यार, मेरे को पता उस टाइम में बहुत ज्यादा, मैं सच बोलूं मैं वीडियो में से बातें करना नहीं चाहती थी, मेरे को उस टाइम ऐसा लगता था, मैं रात बोलती थी, मेरे को ना जीने का इच्छा खत्म हो गई, मैं ना बहुत थक गई थी यार, एक महीने मेरे को पता नहीं क्या हुआ था, मेरे को पूरे टाइम ऐसा लगता था कि बस मेरे को नहीं जीना। फिर मैं अद्विक को देखती थी, फिर मेरे को लगता था, मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे थे कि अद्विक को अगर मैं नहीं रहूंगी तो अद्विक को कौन देखने वाला है, किसको मेरे को वो करना है, क्या करना है, राजा को क्या बोलना है, मतलब मेरे को बहुत सी ऐसी चीजें आने लगी, मैं नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, बहुत सारे आ रहे थे, मे बी प्रेगनेंसी के कारण, पर इतने सारे तो प्रेगनेंसी के कारण भी नहीं आते ना। तो उसके बाद फिर ठीक है चलो, वो चली गई, सुबह गई हैं, शाम में उनका एक कॉल आया, वही फिर वही अभी तबीयत कैसी है, अच्छा अब कैसा फील वो कर रहा। फिर मैंने उनसे बोला कि अभी तो मतलब उनको शायद उस टाइम पे बॉडी वो होती है, फ्यूनरल वगैरह हुआ होगा, तो मेरे को वही लगा है शाम को फ्यूनरल हुआ है और ये मुझे कॉल कर रहे हैं। बहुत वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, बहुत अजीब यार, कोई भी शायद नॉर्मल इंसानों को अजीब लगेगा। ठीक हो आप? मैंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल मत करना, मैंने अभी क्या बोलते बस परसों तक आ रही हूँ, आई थिंक मेरा MD जो स्टिचेस था ना उसके अगले दिन वो आ रही थी, वही थी बस एक दिन आप संभाल लेना। मैंने बोला वो तो मैं हॉस्पिटल में ही रहूंगी और उसके अगले दिन वो आने वाली थी, तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप रुक जाओ, मेरे कारण आप परेशान मत हो कि आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो कोई एक्सपायर हुआ, मैं ऐसे भी कुछ हुआ नहीं था, मेरे पास फिर भी बहुत लोग आ जाएंगे अगर कोई जरूरत होगी तो। तो मैंने मना किया, फिर मैंने बोला ठीक है चलो। तो राजा ने बोला यार मेरे को बहुत अजीब लग रहा है यार कि किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, वो भी उनकी सिस्टर, और वो फोन करके यहाँ पूछ रही है कि कैसी हो, खाना खाया नहीं खाया और क्या खाया, ऐसे से पूछ रही, ठीक है एकदम। तो फिर मैंने बोला ठीक है रहने दो, कुछ नहीं होता। अब उसका अगला दिन पकड़ना, उसका अगला दिन आया,
अगले दिन सुबह भी कॉल आया, शाम में भी कॉल आया, हॉस्पिटल पहुंच गए। अच्छा, मैंने फिर वही मेरे को मेरे राजा से बोली थी यार कि ये बहुत ज्यादा मेरे को ना अजीब लग रहा है कि वो वहां पे अपनी सिस्टर के लिए कंसर्न ना होके मेरे लिए इतना कंसर्न क्यों हो रही है, मेरे को वो अजीब लग रहा था। खैर जैसा भी हुआ, फिर हम लोग की वही बात हुई, फिर मैंने उनसे वही बोला उनसे कि क्या बोलते हैं आप आ रहे हो। मैंने उनसे उस दिन बोला कि मेरी तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मैंने बोला उस कारण मेरे स्टिचेस नहीं लग रहे, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, या मैं तबीयत नहीं बोल सकती, मेरे को बहुत गंदे थॉट्स आ रहे थे, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, अद्विक साथ में बीमार पड़ा, ठीक है, साथ में एक ऐसी हालत हो गई थी, ऐसी हालत हो गई थी। फिर जाके राजा ने अपने मतलब की मम्मी पापा से बोला कि ऐसा ऐसा है, आई थिंक उसके एक दिन पहले बोला था कि स्टिचेस के लिए जाना है, फिर ये हुआ। और फिर उसके अगले दिन वो आ गई खाना बनाने के लिए। फिर जब वो खाना बनाने आई, फिर बोलती है अच्छा नहीं हुआ, फिर एकदम बहुत मतलब एकदम नॉर्मल मेक हुआ। मैंने उनसे वही बोला कि ऐसा कुछ हुआ था, आपको रुकना चाहिए था, क्योंकि सगी बहन है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे आपको भी तो देखना था। फिर मैंने फिर यही बोला कि जैसे मेरी खुद की भी हाउस हेल्प जो काम करने आती है, अगर उनके घर में कुछ भी ऐसा हुआ है तो उनने हमेशा से ली है छुट्टी, अगर ऐसा होता है इंसान लेता है, और कोई भी कुछ नहीं, क्योंकि मेरी जो खुद की हाउस हेल्प है जो झाड़ू पोछा करती है, मेरा छोटा बच्चा था 7-8 साल का, जो आज से 3-4 साल पहले टिटनेस से एक्सपायर हो गया था, आप लोग को याद हो। तो मैंने बोला टाइम पे कोई किसी के ना पैसे काटता है ना कुछ करता है, और ये सब चीजें बहुत मतलब कहते हैं ना लाइफ पे तो चलता रहता है। तो फिर मेरे को वही थोड़ा सा अजीब लगा। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या बोलते हैं आपकी बेटा सही हो गया है, तो उनके बेटे के माइंड में एक क्लॉट था, वो थी हाँ रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, एकदम सही हो गया मेरा बेटा, बड़ी खुश हो रही थी, वो बहुत खुश हो रही थी। और वहीं फिर वो अद्विक को गोद में लेके हुई थी, आयुष की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। फिर मैंने बोला हाँ आयुष की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और मैं पता है जैसे वो अब बात कर रही और मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही, मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं रोऊं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर उसी दिन वो मेरे कुकर का ढक्कन लेके चली गई, एक कुकर का ढक्कन जो डुगू वाला कुकर था उसका ढक्कन लेके चली गई। फिर मेरे को ढक्कन नहीं मिले, मैं पूछूं तो कैमरा लगा हुआ है ना, तो कैमरे में बहुत सी चीजें हैं जो कि रिकॉर्ड हो जाती है, बट हम लोग का थोड़ा सा गड़बड़ है कि जो कैबिनेट है जहाँ पे खाना बनता है ना, वहाँ की चीजें दिख नहीं रही, तो हम लोग को थोड़ा शिफ्ट कराना पड़ेगा कैमरा की, ताकि हम पूरा का पूरा नहीं दिखता है उससे। तो फिर मैंने उनसे बोला, तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं लेके जाऊँ, कुकर का ढक्कन काम नहीं कर रहा था। फिर मैं बोला गास्केट उसकी थोड़ी सी ऐसी रहती है, फ्रिज में डालते हैं, फ्रीजर में तो सही हो जाती है। तो लेके चली गई, और फिर बहुत बुरी हालत थी हम लोगों की, बहुत बुरी हालत थी, ना खाने में मन लग रहा ना कुछ, वो खाना बना के जा रही थी, मेरा खाना खाने का मन हट गया खाने से, और मेरे को बहुत सी चीजें दिमाग में घूम रही थी, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। आई थिंक आप लोग मेरी बात सुन के आप लोगों को भी अजीब लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, बट मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि ना मानने वाली हैं। और हम लोग 2012 से बालाजी के भक्त हैं, और कुछ रहता है यार पता नहीं, मेरे को लगता है वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँ तो मेरे को लगता है रहने दो यार। तो मैंने ना बहुत सी चीज़ें देखी अपनी लाइफ में, और एक तरह से अगर आपके घर से चोरी हो जाती है कुछ चीज़ें तो फिर भी आपको कुछ फोन नहीं होता, बट अगर आपको लगता है कि कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी ऐसे और माइनर माइनर इंसिडेंट भी हैं जो हुए हैं, लाइक ब्लैक कलर का छोटा साथिया, ऐसी बहुत सी छोटी 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 चीज़ें हैं जो बहुत अजीब थी। तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें ये बोला कि आप कि मैंने राजा से बोला कि मेरे को खाना नहीं खाना, मेरा मेंटल पीस चला गया, मेरे को बहुत सी चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं, और मैं डायरेक्ट मना भी नहीं कर पाती क्योंकि वो कुक है, कभी इसके लिए कुछ ले आ रही है या कुछ है ना, कभी इसके लिए कुछ ले आती है कुछ, मैं मना भी नहीं कर पा रही। मैं ना तुम कुछ करो कि हम इनको मना कर रही हूँ मैं। तो बहुत डिफिकल्ट था इस कंडीशन में, जैसे मुझे स्टिचेस लगने थे बेशक 1 हफ्ते बाद लगने थे, 10 दिन बाद लगने थे, स्टिचेस तो लगने थे, और मेरे पास कुछ हेल्प नहीं थी, स्टिल आई डोंट हैव एनी हेल्प कि मुझे कोई 2 वक्त का खाना भी खिला दे, ऐसा कुछ नहीं है अभी भी। बट मैंने उसे बोला मैं खाना नहीं खाना चाहती, मैं जोमेटो से या कहीं से मंगवा लूंगी, जिस दिन होगा उस दिन बनाऊंगी, पर मेरा मेंटल पीस चला गया है ना, मेरा मेंटल पीस चला गया, एक काम करो मैं मना कर रही हूँ।
फिर राजा भी तैयार हो गया, राजा भी देखा था मैंने, उनके अगले दिन ये बोला कि हमें ना बाहर जाना है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, आप अपना हिसाब करवा लो और पैसे ले जाना और मेरे मुँह का ढक्कन दे जाना, ये बैनन से बोला। हाँ तो फिर क्या हुआ, वो चली गई। फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ही तो है, ले जाएंगे ले जाएंगे। तो मैंने फोन किया एक दो बार कि अपना पैसा ले जाओ, मेरे कुकर का ढक्कन दे जाओ। तो जितनी बार मैंने कॉल करती उतनी बार ये होता कि क्या बोलते हैं, और मैंने ये बोला था कि मेरे नीचे मतलब इन लॉज के यहाँ से ले जाना कुकर का ढक्कन, क्योंकि मेरे उनके हिसाब से मैं चली गई हूँ। तो फिर जब मैंने कॉल करती तो क्या करती, मैं तो बोलती कि पैसे ले जाना, तो मेरे को वो अजीब लगता कि यार इंसान पैसों के लिए काम करता है और वो पैसे ना लेके जाए, पैसे ना लेके जाए। फिर मैंने उनसे बोला कि मेरे इन-लॉज भी जाने वाले हैं, 15 दिन हो गए थे, जनवरी 15 या 16 तारीख थी, मैंने उनसे बोला कि वो जाने वाले हैं कहीं, फिर हमारे घर में 2-3 महीने तक कोई नहीं रहेगा। तो फिर वो आई हैं और फिर कुकर का ढक्कन लेके गई हैं और फिर वो क्या बोलते हैं पैसे लेके गई हैं। तो ये पूरी चीज़ जो थी वो हुई, और जो जनवरी स्टार्ट हुई जैसे ही वो हुई, हम लोग एकदम से रिलैक्स हो गए। बहुत सी चीज़ें थी जो ऑटोमेटिक सुधर गई, मेरी रिपोर्ट हो, सबकी तबीयत हो, एक मेंटल पीस हो। उसके बाद से यार पता है बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि इसको प्रसाद लेके आ रहे हैं खिला दिया, यार यहाँ का प्रसाद है वो खिला दिया, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था। मैं भी खा रही थी, मेरे को इतना ओवर ट्रस्ट कि मैं क्या बोली, मेरे को ऐसा लगता था यार मेरे को तो कभी किसी ने इतना प्यार नहीं किया, मेरा दिमाग इतना घूमा हुआ था। आई थिंक मैं आप लोगों को बोलती थी इतनी अच्छी। तो वही सब चीज़ें थी जो है। तो ये तो चलो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अजीब लगे, बट मेरे को लगा कि ये बात शेयर करनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत लंबा हो गया, तो ये वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, एक्चुअली व्लॉग में शूट करके उसमें डाल दिया, 30 मिनट की हो गई, तो अलग से डाल दूंगी। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि ये इंसिडेंट शेयर करो, तो ये मैंने शेयर कर दिया। आप लोग ओपिनियन दीजिएगा, मे भी बहुत बढ़िया लगे, कुछ लोगों को अटपटा लगे क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं ऐसी बात पर यकीन नहीं करते। भैया मैंटेक करी हुई है तो मैं भी पढ़ी लिखी, मैं भी यकीन नहीं करती हूँ, बट जब आपकी लाइफ में कुछ घटित होने लगता है कि आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, और कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके साथ साथ क्या क्या चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में नहीं वो कर सकती। तो वही है, पर मैं जितना था ना ऊपर ऊपर का बता दिया, बहुत सी चीज़ें घर में दिखना तो वो थोड़ा अजीब था। एकदम से मुझे एक चीज़ याद आई थी, मैंने एंड तो कर दिया था, तो ये वाली और थोड़ा सा हिट करेगी। क्या हुआ था जिस टाइम, अभी 14-15 ही तारीख को, मतलब अभी जनवरी में ही राजा वहीं गए थे जिनके थ्रू वो आई थी, मतलब जो उनके घर में रहते हैं। तो राजा को एक बार ऐसा लगा कि पूछ लेता हूँ, तो उन्होंने बोला था कि आपकी इनकी बहन एक्सपायर हो गई थी, तो क्या बोलते हैं आप भी गए हुए थे, ऐसे नॉर्मल बात करी। तो बोले थे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और बोलते मुझे नहीं पता, मतलब एक घर में रह के आपको नहीं पता कि आप यहाँ को एक्सपायर हुआ है और आप 2-4 दिन के लिए कहीं गए हो, मतलब आपके जो वो है। तो वो एक बहुत ही मेन चीज़ थी जिस दिन मैंने आप लोगों से इस बात का जिक्र किया था, उस टाइम पे क्या बोलते हैं ये वाली बात, जब आप बोल रहे थे पूरी बात नहीं बताया, उस दिन ये वाली बात हुई थी कि राजा गए थे, राजा को यही लगा यार ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया कि घर में कुछ हुआ है और उसी घर में रहते हो, एंड यू आर डिनाइंग द फैक्ट, मतलब आप वो चीज़ को बोल रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और नहीं ऐसा हमने, हमें तो पता नहीं, अगर हुआ भी है तो अगर गई है तो पता नहीं वो एकदम से कहते हैं ना इंसान के चेहरे की रंगत वो जाती, पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर हमें नहीं पता। तो वही थोड़ा हम लोगों को और हिट हो गया था, तो ये मेरे को एकदम से याद आया, और मेरे ना यहाँ पर रिकॉर्डिंग वो हो गई थी। तो चलिए मैं थोड़ी सी मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, और इसको हम डालेंगे थोड़े से लाइक, क्योंकि व्लॉग में डालूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी।